कमीशन्स, इदारे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट मेंबरान के डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, वो खुद हैं, उनको दाद देना चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो एक इनपुट इस पूरे बजट में आया है, जिसमें उन सब ने बड़ी मेहनत की है। इसके साथ साथ वो महकमे जो इसके अलावा हैं, मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ, खासकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, ACS डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हवाले से जनाब जऊर साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस बजट के हवाले से, उन सब सरकारी इदारों और इन सब का मैं बड़ा मशकूर हूँ, जहाँ इन सब ने मेहनत की और बलूचिस्तान का 2020-2021 का बजट के लिए मावनत की और जिसे हमने पेश करके मंजूर फरमाया। जनाब स्पीकर साहब, मैं अपोजिशन का भी बड़ा मशहूर कि इस साल कम अज़ कम हमने थोड़ी बहुत, ये तो हिस्सा भी है जैसे हमने नेशनल असेंबली में बाकी जगह भी देखे, लेकिन इस साल हमने कम बैनर देखे, कम किताबें फटती हुई देखी, कम अखलाकिया से चीज़ें आगे बढ़ती हुई देखी। इस दफ़ा मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा एक बड़ेपन का इजहार किया, और यकीनी तौर पे अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, हमारे चंद दोस्त भी उनके पास गए थे, कि आप लोगों का एक बहुत अच्छा रवैया रहा, और अगर हम इसको इख्तिताम भी अगर इसी रवैये के साथ करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अपोजिशन के मेंबरान भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं या आपके तवसल से अगर वो अगर यहाँ आएंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी स्पीकर साहब कि वो इस बजट को भी हम इख्तिताम एक अच्छे अंदाज में आज कर लें। मैं मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ, सोशल मीडिया का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, जनाब स्पीकर साहब, कि उन्होंने बलूचिस्तान के इस पूरे बजट को कवर किया, सारे डिपार्टमेंट्स के मामलात को कवर किया, सेशन के मामलात को कवर किया, और बलूचिस्तान के हवाले से ये जो आगाही है, जैसे हम समझते हैं कि हम जब इस माइक पे बात करते हैं या किसी भी फ्लोर पर बात करते हैं, हमारी आवाज़ को आगे ले जाने में जो सबसे बड़ी मावनत है वो मीडिया की है। तो मैं मीडिया के सारे ग्रुप्स का, यहाँ पे बलूचिस्तान के खासकर उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं, मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस बजट को कवर किया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पूरे साल को खैर से हमारे लिए आफियत, अमन, बेहतरी, और ख़ासकर इन जो चैलेंजेस का हमें आगे सामना करना होगा, इसमें हमारी मदद पर फरमाए, ताकि हम बलूचिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें, अपनी कारकर्दगी और बेहतर बना के आगे दिखा सकें। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी हुकूमत के लिए अपनी कारकर्दगी को बयान करना सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब वो अपनी कारकर्दगी का कंपैरिजन या उसका एक जो बैलेंस है वो अपने माजी में, अपने ही एक दौर में, अपनी हुकूमत के एक साल या दो साल की कारकर्दगी पर ला सके। मैं यकीनी तौर पर इस पर यह ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट जब हमने 2018 में संभाली, यकीनी तौर पर हर हुकूमत के अपने चैलेंजेस होते हैं। आप जब वजीर आला थे, आपके चैलेंजेस अपने थे, आपसे पहले नवाब सनाउल्लाह साहब थे, उनसे पहले डॉक्टर मालिक साहब थे, इसी तरह जनाब असलम रहसानी साहब थे, और चूँ जितने भी मेरे वाले साहब भी रहे हैं। तो हम जितने भी हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, हमारे अपने डायनेमिक्स होते हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए चैलेंज होता है, कभी पावर्टी होता है, कभी ड्राउट होता है, कभी एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मैं हतमी तौर पे कभी भी किसी हुकूमत को कमज़ोर या लेस परफॉर्मेंस नहीं कहता, क्योंकि हमें हर हुकूमत के अपने मामलात को देख के फिर कुछ फैसले और फिर कुछ तज्जिये करने होते हैं। और जो शायद मैं आपकी जगह हूँ, आप मेरी जगह हो, या मैं किसी और की जगह हूँ, हम उनका सही तज्जिया नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं यही बेहतर समझता हूँ कि हम इस जो 2018 के बाद जिस एक गवर्नेंस के सेटअप में जो चीज़ें हम ला रहे हैं आस्ते आस्ते, ये इंशाल्लाह वो बेंचमार्क बनेंगे जिनके ऊपर आने वाले हुकूमत अपनी कारकर्दगी को एक बेस बना सकते हैं। और वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम ऑफिशियली कुछ चीज़ों की तरतीब देंगे, और जब तक अगर हम इस तरह की चीज़ों की तरतीब नहीं देंगे तो हम भी एक तरीक़ेकार सही तरीके से बना नहीं सकते। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूँ कि जब एक स्कूल में एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसकी जो मार्किंग सालाना आती है वो किसी एक परफॉर्मेंस पे या एक कमजोरी पे नहीं आती। उसकी यूनिवर्सिटी उसका एक पूरा तजिया उस स्टूडेंट का लेती है,
कि इनिशियल ईयर में इसने अपने पहले सेमेस्टर में क्या किया, इसने अपने टेस्ट में कैसे मार्क्स लिए, इसकी पार्टिसिपेशन अपने क्लास में कैसी थी, इसका रवैया कैसा था, इसने अपने बाकी मिड टर्म में या फाइनल टर्म में किस तरह फाइनल मार्क्स लिए, और फिर तज्जिया पूरे साल का बन के फिर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस मुल्क में इस चीज़ का एक बड़ा फुकदान है कि हम 10 में से दो आदमी दो काम सही नहीं करता और 8 काम उसके अच्छे होते हैं, हम उस दो कामों में उसको पकड़ के उसकी पूरी कैरेक्टर को ख़राब कर देते हैं, उस महकमे को ख़राब कर देते हैं। और कहीं कहीं इसका उलट भी होता है, कहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमजोरियां दिखाते हैं लेकिन एक काम अच्छा कर लेते हैं, वहां उनकी वाह वाह बहुत होती है। हम ये समझते हैं कि हमें इन चीज़ों का बदलना चाहिए, हमें लोगों के लिए एक बड़ा होलिस्टिक एक अप्रोच रखना चाहिए जहां हम उनकी हर चीज़ की परफॉर्मेंस का एक तरीकाकार बनाएं कि ये डिपार्टमेंट है, ये इदारा है, ये किस तरह काम कर रहा है, इसके क्या KPIs होने चाहिए, इसके क्या क्या टास्क थे, इसने क्या टाइम पे किए नहीं किए, सूबे को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ों का तज्जिया करके फिर हम अपने एक डिसीजन पे लाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले वक्तों में जब भी किसी भी हुकूमत, किसी इदारे, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंसान, किसी पार्लियामेंटेरियन, किसी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाएगी तो वो कम से कम अपनी पूरी परफॉर्मेंस के हवाले से हर चीज़ वाजे कर सकेगा और किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनेगा। और जनाब स्पीकर साहब, हमने भी इसी तौर पर सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, चैलेंजेस का सामना करते हुए चीज़ों को आगे ले गए। 2018 की हुकूमत जब आई, हमें यकीनी तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने कहा कि हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा, सॉरी आपको मुदाखलत कर रहा हूँ, PTV के अभी तक उन्होंने लाइव इसको चला नहीं रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट सेशन को और कायदे वान इसमें स्पीच दे रहे हैं, तो PTV को हम कहते हैं कि इसको हमारे अपने चैनल गवर्नमेंट चैनल हमें कवरेज नहीं दे देंगे, बाकी चैनलों से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें कवरेज देंगे। तो सॉरी जम सर। तो जनाब स्पीकर साहब, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट और हमने जब मुश्तरका तौर पे अपनी बहुत सारी मीटिंगें इजलास किए तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं जिनमें हम सब ने मुश्तरका तौर पे महसूस किया कि गवर्नेंस, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, रिफॉर्म्स, लॉज अमेंडमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन, फिस्कल और ये सारी चीज़ें, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ, जब तक कि कोई हुकूमत नहीं करेगी तो वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी कभी आवाम को एक अच्छे अंदाज में बयान नहीं कर सकेगी। आज ऑपोजिशन ने, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक बात की कि जनाब ये एक आवाम दुश्मन बजट है, ये दो अल्फाज कहने को तो बहुत आसान है लेकिन अगर कभी कोई किसी से बात करे कि जी आवाम दुश्मन अगर हैं तो किन वजूहात की वजह से हैं, और अगर आवाम दोस्त भी हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इसको आवाम दोस्त कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कैबिनेट और सारी पार्टीज ने मिलकर जो बजट बनाया है कि हमारे बजट को आवाम दोस्त किस तरह बना रही है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर रोशनी डालूं और फिर ये फैसला हम आवाम पर छोड़ें, फिर ये फैसला हम तज्जियाकार लोगों पर छोड़ें, फिर हम ये फैसला उन लोगों पर छोड़ें जो सोच और फिक्र रखते हैं, जो लोगों के मसाइल को देखते हैं, जो उन मसाइल का शिकार हैं, और उसके बाद अगर ये बलूचिस्तान की आवाम ये फैसला करती है कि 2020 और 21 का बजट आवाम दुश्मन है और दोस्त नहीं, फिर उसके कसूरवार हमारी गवर्नमेंट ज़रूर होगी। लेकिन सिर्फ मैं माइक पे आके ये कह दूं कि ये आवाम दुश्मन है और फिर मैं ये भी बोल दूं कि आवाम दोस्त है तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह ये चंद चीज़ें थी जो मैं समझ रहा था कि जिनको आस्ते आस्ते जिस तरह हम, जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम अपनी तज्जिया लाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी उस पे हम बात करेंगे। मैं जनाब स्पीकर साहब अपनी शुरुआत, क्योंकि हमारा ये दूसरा बजट है, एक तरह से तीसरे साल का दूसरा बजट है क्योंकि पहला बजट पिछली गवर्नमेंट ने जब किया था उसके बाद हमने वो पूरा बजट चलाया और उसके बाद फिर हमने अपना पहला पेश किया, फिर आज हम दूसरा पेश कर रहे हैं। एक तरह से फाइनेंशियल ईयर हमारा 3 है और इसके बाद जो भी आएगा, और हमने इस पूरे साल में क्या किया, हमने पिछले बजट में क्या किया, हमने वो कौन सी चीज़ें थी जिनसे हमने लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया,
हमने पब्लिक के लिए वो कौन सारे सारे काम किए, वो कौन सी चीज़ें थी जो शायद एक हुकूमत अपने हवाले से बोल सके। मैं कोशिश करूंगा इसको दो हिस्सों में तकसीम कर, एक तकसीम मैं करूंगा डेवलपमेंट साइड में और एक मैं तकसीम करूंगा नॉन डेवलपमेंट। अमूमन तरक्याती कामों को हमेशा समझा जाता है कि तरक्याती काम ही असल तरक्की का एक मेन वजह बनती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मैटर होते हैं, आपके पॉलिसी फॉर्म्स होते हैं जो उनसे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ देते हैं पब्लिक को, जो चीज़ों को बहुत बेहतर करते हैं, लेकिन अमूमन उसकी तरफ हमारी नज़र बहुत कम जाती है। हम अगर अपोजिशन बन के भी तकारीर करते हैं तो हमारा मेवर हमेशा ये रहता है कि जी मेरे ज़िले में ये काम नहीं हुआ, मेरे ज़िले में ये स्कूल नहीं दिया, मेरे ज़िले में आपने ये नहीं दिया, लेकिन हम कभी पॉलिसी मेकिंग या हमारे डिपार्टमेंट्स के जो बाकी मैटर्स हैं उनकी तरफ हमारी हमारा रेफरेंस एक बहुत कम जाता है। जनाबे स्पीकर साहब, माजी की तरह हमने जैसे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ों का एक स्टार्ट लिया और जिसमें हमारे कुछ मेंबर्स भी बैठे थे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं जो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉरेन इनिशिएट होते हैं। हम आप चाहे उसमें अगर आप ये समझें कि रेजिडेंशियल कॉलेजेस का हो, आप ये समझें कि बोर्डिंग स्कूल्स का हो, आप उसके साथ अगर डिजिटल लाइब्रेरीज का समझें, आप उसके साथ मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से प्लानिंग स्ट्रेटजी समझें, या आप कम से कम उन चीज़ों के हवाले से समझें कि जो ज़रूरी होती हैं, इस हुकूमत ने अपनी कोशिश की कि इन चीज़ों को आगे की तरफ ले जा सके। लेकिन हमने सबसे पहले ये महसूस किया कि जब तक एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो ये सारे प्लान और ये सारी चीज़ों को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल होंगी। तो हमने अपनी पहली कोशिश की कि हम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को थोड़ा बेहतर करें, ताकि हम जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा किसी न किसी अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे ले जा सके। और उसमें जनाब स्पीकर साहब, ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे हमने PSDP फाइनेंशियल चीज़ों की रैशनलाइजेशन की। मैं यकीन कह सकता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी न किसी वजूहात की वजह से रह गई होंगी। मैं नहीं कहता कि उनमें बहुत सारी चीज़ें सारी कमज़ोर थी, लेकिन एक अक्सरियत हमने देखा कि इस PSDP में एक अक्सरियत ऐसी स्कीमों की हैं जो बहुत अरसे से चल रही हैं, किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचती हैं, या जिनको तरीक़ेकार जिनका ठीक नहीं बनाया होता है। तो हमने एक बहुत बड़ा स्टेप उस पर लिया जो आज तक भी चल रहा है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को टोटल ख़त्म नहीं किया। क्या हम ये नहीं कह रहे कि शायद 6 महीने पहले जो एक चीज़ हमें उस वक्त बेहतर नहीं लग रही थी, हमने उसको कैप्ड और दूसरी स्कीमों में रखा है जिस पे बाकायदा डिलिब्रेशन हो के अगर ये सही आती है तो हम इनको वापस भी रख सकते हैं। और इसी सिलसिले को बेहतर करने के लिए हर माह, ये हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मेम्बरान भी बैठे हैं, यकीनी तौर पर हर महीने 2019 से 2020 साल के जो हमारा एक साल का पीरियड अभी गुजरा है, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि इस PSDP को हम बड़ा रेगुलर फॉलो करें और देखें कि कौन सी चीज़ों की DSEs हुई हैं, कितनी PDWPs हुई हैं, कितने टेंडर हुए हैं, कितने अपने टेंडर स्टेज के बाहर निकल के ग्राउंड पे जिनके वर्क ऑर्डर्स मिल चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किस तरह कर रहे हैं, सुपरविजन उनकी कैसी होनी चाहिए, CMIT का अपना क्या रोल हो, डिपार्टमेंट का अपना क्या रोल, कमिश्नरेट अपना क्या फीडबैक दे रहा है, सोशल मीडिया से हमें क्या फीडबैक मिल रहा है। ये वो सारे काम है जिनको हमने इस पिछले एक साल में पूरी कोशिश की कि इम्प्लीमेंट करें, ताकि बलूचिस्तान का एक एक पैसा जो अब इस सूबे में लगे वो बहुत हद तक एक अच्छे अंदाज में लगे और ज़ाया ना हो। इसी तरह हमने कोशिश की कि हम कुछ ऐसे इकदाम और भी करें जिनसे हमारा एक मैकेनिज्म एक नीचे लेवल पे चीज़ों को इस तरह से देखा जाए कि ये गवर्नमेंट अपनी हर स्कीम के लिए बड़ी सीरियस भी है। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में PC1 के अंदर GPS कोऑर्डिनेट का एक हमने प्रपोजल फ्लोट किया, यानी कि इस साल से पहले और इस साल की जितनी भी आपकी स्कीमात हैं, अगर हम में से कोई भी ये समझता है कि वो एक स्कीम को भी उसकी कम से कम लोकेशन मालूम कर सके कि ये स्कीम पूरे बलूचिस्तान में ये स्कूल, ये नाली, ये रोड, ये पानी की स्कीम कहाँ बन रही है, तो वो उस कोऑर्डिनेट को डाल के गूगल मैप या किसी और मैप के थ्रू कम से कम वहाँ दे सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन यहाँ है। जिससे हमें एक और बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम जब माजी में अपनी स्कीमात को भी इसी फॉर्मेट पर लाएंगे इंशाल्लाह इस पूरे साल, तो हम पुरानी स्कीमात और नई स्कीमात और बनने वाली स्कीमात जब तीनों को एक साथ डालेंगे तो हमें डबलिंग और या ट्रिपलिंग या बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो निशानदगी आती है, हम उन चीज़ों से भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं।
हम CNW में एक बहुत बड़ा अच्छा निज़ाम ला रहे हैं कि एक ट्रैक सिस्टम भी हम बना रहे हैं कि CNW डिपार्टमेंट अब जितने भी रोड बनाएगी उसका बाकायदा एक डिजिटल ट्रैक बनेगा। उस डिजिटल ट्रैक का फ़ायदा ये होगा कि जब हम माजी के दूसरे रोड उस पर डालेंगे तो हो सकता है कभी कभी डिपार्टमेंट्स गलत नाम या किसी और तरीके से उसी स्कीम को रिपीट करते हैं और वो टेंडर भी कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी दिखाए जाते हैं उन पर काम भी हो चुका है। अब ये मुमकिन बहुत कम मुश्किल होगा क्योंकि जब वो अपना पुराना या नया PC1 लाएंगे और जो इस बजट में हमारा PC1 मंजूर हुआ है जब उसका ये ट्रैकिंग सिस्टम रोड का उसके साथ मिलाया जाएगा तो वो रोड खुद बताएगा कि यहाँ पहले काम हो चुका है या मजीद अभी आप काम करने की जरूरत नहीं है या ये PC1 अगर बना भी है तो ये किन वजूहात की वजह से बना है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी हतमन कोशिश रही है कि हम पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स को, मैं दाद दूंगा हमारे कैबिनेट के मेंबरान को और हमारे जो MPAs हैं इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है बहुत जगहों पे जहां ये महसूस किया है कि हम बलूचिस्तान में रहते हैं यकीनी तौर पे हमारे पास लोग आते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, दूसरे लोग हैं, सियासी लोग हैं, हर आदमी की कोशिश करता है कि वो किसी न किसी ऐसे जगह पे काम करे जहाँ वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन मैं कैबिनेट का मेंबर्स का बड़ा मशकूर हूँ और MPS का भी कि हमने जब भी कुछ फैसले किए हैं उनमें मुश्तरक तौर पर कुन चीज़ों को कम अज़ कम एक बेंचमार्क ज़रूर बनाया है जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है और यकीनी तौर पर जहाँ हमारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी हमारे ऑफिसर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन पर एक अकाउंटेबिलिटी होगी, हमारे हलकों में उसका इंशाल्लाह उसकी अफादियत को हम और बेहतर होते हुए देखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, हमने दो चीज़ों का एक नई शुरुआत कराई, पहले भी होती थी लेकिन काम नहीं करती थी, चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट, एक जो CMDU का है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट यूनिट के नाम से है कि जो कम अज़ कम पूरे सूबे में मुख्तलिफ अजला में डिपार्टमेंट्स में चीज़ों को देखिए कि क्या परफॉर्मेंस उनकी है, क्या नहीं है, किस चीज़ों पे कमी बेशी है। कभी कभी बहुत सारे हमारे मेंबरान हैं, इलाके हैं, उनकी चीज़ें रह जाती हैं, फॉलोअप उनका सही नहीं होता, उस मेकैनिज़म को भी हम अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस में बहुत बेहतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह सबसे पहली दफ़ा फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का सिस्टम जो पहली दफ़ा बलूचिस्तान में हमने इशू किया है जिससे बहुत चीज़ों को फ़ायदा मिला है। पहले हमें कभी नहीं पता चलता था कि चीफ मिनिस्टर या किसी भी इदारे से किसी डिपार्टमेंट से एक फाइल है, एक समरी है, वो कहाँ पे है, किसके पास है, किस सेक्रेटरी की टेबल पे है, किस डिपार्टमेंट में है, कितने दिनों से है, कब गई थी, कहाँ तक प्रोसेस गया। आज सेक्रेटरी साहिबान, मिनिस्टर साहिबान अपने ही रूम में बैठे बैठे और हम यहाँ पर या चीफ सेक्रेटरी साहब, हम ये सब देख सकते हैं कि ये मुतलका फाइल किस डिपार्टमेंट के डेस्क पे कब से रखी हुई है और फिर उसकी हम मंथली एक शीट निकालते हैं जहां बाकायदा उस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि इस फाइल ने आपके पास ये 2 महीने से थी या 3 महीने से थी, ये किस वजह से आपने इतना टाइम लगाया, क्यों इतनी देरी हुई। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मसला वक्त का है कि काम अगर देर से होने लगे उनके मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर कहीं ना कहीं हवाले से हम शायद उस पर गुजारा कर लें लेकिन फाइल वर्क, समरी वर्क, डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस वर्क अगर वो स्लो किसी हवाले से हो जाएं तो उनमें एक बहुत बड़ी कबाहत आ जाती है और वो उसकी परफॉर्मेंस को बड़ा वीक करती है। और ये शायद यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे साल में तकरीबन 2 साल होने को आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोई 6,500 समरीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिपार्टमेंट्स और बलूचिस्तान गवर्नमेंट प्रोसेस कर चुकी है जिसका रिकॉर्ड हमारे पास इन सब चीज़ों का है ताकि ये चीज़ें थोड़ी बेहतर अपने अंदाज में कर सकें। जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो हमें मैटर नज़र आया वो डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ों को एक फॉलोअप के अंदाज में था कि जहाँ पे जिम्मेदारी दी जाए कमिश्नरेट्स को, डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे पास कई कमिश्नर्स और कई कमिश्नरेट्स पे डिविजनल लेवल पे डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर के होंगे, फॉरेस्ट के होंगे, CNW के हैं, कुछ काम नहीं करते, या तो एक्सीएंट डायरेक्ट काम करता है या तो फिर सेक्रेटरीट काम करता है, ये लोग इनका कोई काम ज़्यादा इनसे लिया नहीं गया। और हम अभी कोशिश अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं कि ये जो डिविजन्स में हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी अफादियत बढ़े, ये अपना काम ज़्यादा बेहतर करें, इनसे काम इनको हम फैसिलिटेट करेंगे तो ये आगे जाके काम बेहतर कर सकेंगे। मैं एक चीज़ की तरफ जनाब स्पीकर साहब, जहाँ मैं मॉनिटरिंग